जिस शहर की रक्षा विंध्य पहाड़ों की श्रृंखला कर रही हो और जिसकी गोद में स्वयं मां गंगा हो, वो शहर हो ना हो मिर्जा ही हो। मिर्जापुर और उसकी ऊंची पहाड़ी पर वर्षों से खड़ा ये चुनार किला अपनी शताब्दियों की कहानी खुद बयां करता है। लाल पत्थरों को जरा छू कर तो देखो, बीते युग की धड़कनें महसूस होंगी। कान लगाकर सुनो तो सही, अतीत की कथाएं परवान होंगी। जरा संवाद तो छेड़ो इनसे, वर्तमान की राहें आसान होंगी। मिर्जापुर या मिर्जापुर, कुछ भी कह लीजिए, शहर एक ही है, पहचान एक ही है। मिर्जापुर इसलिए क्योंकि 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज अपनी ईस्ट इंडिया के कदम भारत में बढ़ा रहे थे, तो कहा जाता है कि जब वो इस इलाके में पहुंचे तो उन्हें यहाँ पर व्यापार की बहुत सारी संभावनाएं नजर आईं। इसीलिए उन्होंने ये शहर यहाँ बसा दिया और उसका नाम रख दिया मिर्जापुर। मिर्जा का फारसी में अर्थ होता है रईस, बाप की औलाद। तो व्यापारियों का शहर था, शायद इसीलिए उसे मिर्जापुर कहने लग गए। मिर्जापुर, स्थानीय लोग इसे अब भी मिर्जापुर कहते हैं। मिर्जापुर इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र की देवी का नाम मिर्जा भी है, इसीलिए शायद यहाँ के लोग इसे मिर्जापुर भी कहते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको कहा, मिर्जापुर हो या मिर्जापुर, शहर एक ही है, पहचान एक ही है और बहुत ही दिलचस्प शहर है। और मैं इस समय मिर्जापुर और वाराणसी के बीच इस भव्य चुनार फोर्ट के ऊपर खड़ा हूँ, जो कि गंगा के तट के ऊपर है। इस कड़ी में जानूंगा इतिहास भव्य चुनार किले का, जिसके पास यह दुर्ग रहा उत्तर प्रदेश में वो सबसे शक्तिशाली रहा। दर्शन होंगे प्राचीन और पूर्वांचल के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर माँ विंध्यवासिनी मंदिर के। जाऊंगा 18वीं सदी के बने ओझला पुल, मिर्जापुर की शानदार धरोहर। देखेंगे नमामि गंगे की उत्तर प्रदेश में एक नई और अनूठी पहल। जानूंगा कैसे घर घर में बनता है मिर्जापुर का मशहूर पीतल। चखूंगा सोन पापड़ी का स्वाद मिर्जापुर की 100 साल पुरानी मिठाई की दुकान में। देखूंगा पुराने जमाने में बने व्यापारियों के लिए खूबसूरत कुएं। मिर्जापुर की मशहूर कालीन और दरियों की कारीगरी से मैं हूंगा रूबरू, और फिर खींच लेगा मुझे अपनी ओर शांत और निर्मल गंगा का घाट। प्रयागराज से मिर्जापुर की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है, यानी 85 किलोमीटर है। मिर्जापुर और वाराणसी के बीच गंगा किनारे स्थित है यह लगभग 2500 साल पुराना चुनार किला। चुनार दुर्ग जो है ये तीन दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो पौराणिक दृष्टिकोण से, दूसरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, और तीसरा सामरिक दृष्टिकोण से। पौराणिक दृष्टिकोण से जो इसका नाम है चुनारगढ़, वो मूल रूप से उसको चरणाद्रिगढ़ कहते हैं जी। और द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूरी धरती मांगी, तो उन्होंने तीन कदम में जो पूरा धरती आसमान और सब मापा था, तो उसमें पहला कदम चुनार पे पड़ा था। गुप्त राजाओं के काल में यह एक तपस्थली के रूप में विद्यमान था। उसके थोड़ा और पीछे चढ़ें, इस किले के निर्माण की जो बात की जाती है कि इसे विक्रमादित्य ने बनवाया था, इसके बहुत से चरण हैं। जो इमारतें आज इस दुर्ग में दिखाई दे रही हैं वह लगभग मुगल पीरियड की और उसके बाद ब्रिटिशर्स के काल की हैं। फिर इस किले का जो सबसे महत्व बढ़ा युद्ध की दृष्टि से, आप जहाँ खड़े हैं यह चुनार की पहाड़ी एक ऐसे जगह पे है जहाँ पूरे उत्तर भारत में चलने वाली सेना या व्यापारिक कारवां यहाँ की निगरानी से बच के नहीं जा सकता, चाहे वह जल के रास्ते से जाए या थल के रास्ते से जाए। तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। सामरिक दृष्टि से जिसके पास यह दुर्ग रहा उत्तर प्रदेश में, वो सबसे शक्तिशाली रहा। ऐसा कहा जाता है कि 12वीं सदी के आसपास एक यहाँ राजा राय पिथौरा हुआ करते थे। उन्होंने अपनी रानी सोनवा के लिए सोने का मंडप बनवाया, इसीलिए इसको सोनवा मंडप कहते हैं। तो ये मंडप सोने का तो नहीं है,
लेकिन इसकी खूबसूरती अगर आप देखें तो किसी चीज से कम नहीं है। ऊपर अगर इसकी छत को देखें तो आपको लगेगा कि लकड़ी के जो पहले इमारतें बनती थी, छतें बनती थी, उन्हीं के नक्शे कदम पर ये पत्थरों में उकेरा गया है। राजा विक्रमादित्य के भाई भारतीहरि सब राजपाट की मोहमाया छोड़कर जब संत बन गए थे तब तपस्या के लिए चुनार आए थे। भारतीहरि अपना पूरा जीवन यहीं रहे और यहीं पर उनका निधन हुआ। ये भर्तृनाथ की समाधि है, क्योंकि भर्तृनाथ को कहा जाता है कि वो राजा थे और उन्होंने राजपाट छोड़ करके वो योगी हुए, इसीलिए राजयोगी भर्तृनाथ उनको कहते हैं। अब हम लोग इसके बैरक्स की तरफ चल सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने 18वीं शताब्दी में इस पूरे एरिया पे कब्जा किया तो सबसे पहले उन्होंने चुनार को अपना केंद्र बनाया और पूरे उत्तर भारत में उन्होंने अपना आधिपत्य बनाया। तब चुनार को उन्होंने अपना शस्त्रागार बनाया तो उनके अस्त्र शस्त्र का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ पे जितने राजनीतिक युद्धबंदी होते थे उनको यहाँ लाया गया, तो ये जो बैरक्स हैं उन्हीं राजनीतिक युद्धबंदियों के लिए बनाई गई हैं। इस किले का एक और रोचक हिस्सा है वो बंगला जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के भारत में पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स रहे थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इस बंगले को चुना और कई वर्ष इस बंगले में बिताए। This house was occupied in 1781 by Warren Hastings. कहते हैं किरदारों से लंबी होती है उनकी कहानियां, तभी तो किरदारों के मिट जाने के बाद भी कहानियां जिंदा रहती हैं। 21 कमरे इसमें हैं जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको छोड़ा था। और इस दुर्ग की एक और बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है सनडायल। सनडायल मतलब कि सूर्य की मूवमेंट के आधार पर चलने वाले जो टाइम बताया है, टाइम बताया। इस पे अभी भी आप खड़े हो तो इसकी टाइम की एक्यूरेसी लगभग लगभग वैसी ही होगी जैसे आपके इस घड़ी की है जी। अब इधर से सन की रोशनी आ रही है जी, तो आप इधर देख सकते हैं ये छाया है और ये बना हुआ है। तो अभी अभी हमारा 3 के पास 3 से थोड़ा कम इस समय एग्जैक्टली 2:58 हो रहा है और आप देखें ये घड़ी वहाँ। सुबह सूरज उधर से आएगा तो वो टाइम आपको इधर से मिलेगा, शाम को सूरज इधर है तो टाइम आपको इधर से मिलेगा। दिन भर सोते रहते होंगे अपने घर में वॉल क्लॉक को निकाल कर रखा, ये रखने की जगह होती है मेरे पास में तो मैं ये रखता। क्या कहूँ सर, मैं तो ये ऐसी जगह जब जाता हूँ ना और उसके इतिहास के बारे में जब मैं सुनता हूँ तो बहुत समय लगता है उसे प्रोसेस करने में। Exactly. कि कैसे वो दौर था, कैसे वो लोग थे, कैसी वो सोच थी और ये दौर एक अलग दौर है। भव्य प्राचीन और पूर्वांचल का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर विंध्यवासिनी मंदिर, हजारों की आस्था का स्थान और लाखों की श्रद्धा का मरकज। खाली हाथ आना और गंगा जी में स्नान कर अपनी मां के दर्शन कर अपनी झोलियां भर चले जाना, यही परंपरा है श्रद्धालुओं की। इस मंदिर में रोशन दिए की लौ से अगर हम अपनी सोच की ज्योति भी जला लें तो शायद घर घर में जन्म लेने वाली बेटियों को भी मां विंध्यवासिनी का सच्चा आशीर्वाद मिल जाए और शक्ति की सच्ची अर्चना हो जाए। गंगा किनारे स्थित मिर्जापुर का विंध्यवासिनी मंदिर। विंध्यवासिनी विंध्या में रहने वाली। विंध्याचल वो क्षेत्र है जहां पर विंध्याचल पर्वतों की श्रृंखला गंगा से आकर मिलती है। ये पूरा क्षेत्र अपनी देवी के मंदिरों के लिए जाना जाता है, लेकिन उन सभी देवी के मंदिरों में से मिर्जापुर का ये विंध्यवासिनी मंदिर सबसे ज्यादा प्रख्यात और प्रमुख है। नमस्कार। इस पूरे क्षेत्र के अंदर इतने सारे देवी के मंदिर हैं, लेकिन क्या बात है कि इस मंदिर की इतनी मान्यता। ये आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी है। आदि मतलब मुख्य प्रथम, जिन्हें कहते हैं जगत जननी। ये वो आदि शक्ति है जहाँ भगवान राम भी आकर माँ की आराधना तपस्या किए हैं। माँ विंध्यवासिनी का सारे वेद पुराण धर्म ग्रंथ में नाम पाएंगे, चूँकि आदि शक्ति है। इनको हजारों नाम से भी जाना गया है। कितना साल पुराना मंदिर है? रामावतार कृष्णावतार के पहले। ये कब से है कोई इसकी हिस्ट्री नहीं बता पाया। देवता गण भी कहे हैं कि विंध्याचल महात्म्यम वक्तुम शेषो फणीश्वर लिखतुम है याद अच्छा दृष्टा इंद्र सुरेश। इसका अर्थ ये हुआ कि हजार हाथ वाले लिखने में और हजार मुख वाले वर्णन करने में महत्ता नहीं बता सकते, तो साधारण मानव की क्या विशाद है को बता सकता है। साल में लगातार इतने श्रद्धालु आते हैं या कोई एक ऐसा समय होता है जब ज्यादा श्रद्धालु आते हैं? देखिए यहाँ नवरात्र तो मुख्य पर्व होता है, हर पूर्णिमा को लाखों लाख होती है। तो अंदर को गुफा है ऐसा कुछ है या सिर्फ एक प्रतिमा है?
अंदर माँ की मूर्ति है जी। जो मेन है वो आज भी एज इट इज है। चलिए दर्शन कराएं। भगवती का चार श्रृंगार नित्य प्रति होता है, पंचो प्रकार और खोटसो प्रकार का श्रृंगार पूजन होता है। शक्ति जब ममता की मूरत हो तो हर कष्ट से पार लगा दे, और वही शक्ति अगर अपना रौद्र रूप दिखा दे तो माँ दुर्गा माँ काली हो जाए और युग के हर राक्षस का नाश हो जाए। आगे है, जाऊंगा खूबसूरत ओझला पुल जो जोड़ता है दो शहरों। देखेंगे नमामि गंगे का उत्तर प्रदेश में एक और सकारात्मक कदम। मिर्जापुर के पीतल के बर्तनों को बनाने की कला को जानूंगा थोड़ा करीब से, फेटुए का चखूंगा नायाब स्वाद। मिर्जापुर और विंध्यांचल के बीच खड़ा ये ओझला पुल एक दर्शनीय स्थल है, जो सिर्फ बीते हुए कल का एक पुल नहीं बल्कि ये जोड़ता है दो कालों को। किसी वक्त ये व्यापारियों के लिए बहुमूल्य संसाधन हुआ करता था। इस पुल के गर्भ में व्यापार के सिलसिले में आए हुए व्यापारियों के लिए विश्राम करने के लिए स्थान भी बनाया गया था। 18वीं शताब्दी में बना ये ओझला ब्रिज दो शहरों को जोड़ने के मकसद से बनाया था, और आज इतने सालों के बाद भी अपना मकसद बखूबी पूरा कर रहा है। जी हाँ, ये ओझला ब्रिज मिर्जापुर को जोड़ता है विंध्याचल से। ये ओझला ब्रिज ओझला नदी के ऊपर बनाया गया है, जो इसी ब्रिज के नीचे से जाकर गंगा में मिल जाती है। जब भी मैं ऐसी जगह पर होता हूं तो महसूस करता हूं उस जज्बे को जिसने कभी इसकी कल्पना की। सलाम उस दूर दृष्टि को जिसने इसे वो रूप दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आराम से अपना सफर नदियों के ऊपर से तय कर सके। ओझला पुल के अतीत से वर्तमान में आए तो ये देखकर खुशी होती है कि मिर्जापुर में नमामि गंगे ने गंगा और ओझला जैसी नदियों को स्वच्छ और अविरल रखने के लिए उत्तर प्रदेश का पहला फीकल ट्रीटमेंट प्लान यानी FSTP शुरू किया है। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है NMCG फंडिंग का, यूपी का चुनार में, जिसको बोलते हैं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। 10 KLD का ये हमारा FSTP चुनार प्रोजेक्ट है। 10 KLD मीन्स 10 किलोलीटर पर डे। और ये प्लांट स्टार्ट हो गए, ट्रायल रन पे है। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि जो भी यहाँ 6000 घर बने हुए हैं उनके जो सेप्टिक टैंक भर जाता है या कम्युनिटी टॉयलेट, जो भी डिसलजिंग इससे पहले लोग करते थे तो ओपन लैंड पे डिस्पोज करते थे या किसी वाटर बॉडीज में करते थे, तो इसके लिए हम लोग ने DPR बनाया था। ये प्रॉपर इस पे ट्रीटमेंट होता है और ये पूरा एनारोबिक प्रोसेस पे है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट मैकेनिकल, जो है सारे प्रोसेस ग्रेविटी पे चल रहा है। ठक ठक की आवाज, हल्के हाथ से चलता हथौड़ा और आग की तपिश से आकार लेता एक पीतल का बर्तन। इस गली से गुजरा तो मुझे दिखा बस पीतल ही पीतल और उसके कारीगरों का हुनर। कारीगरी का यह अद्भुत नमूना सिर्फ बर्तन नहीं है बल्कि सालों से सहेजी हुई एक परंपरा है। मिर्जापुर अपने पीतल के काम के लिए जाना जाता है, ये मुझे नहीं मालूम था तब तक जब तक कि मैं यहाँ मिर्जापुर नहीं पहुंचा। मेरे साथ में मिर्जापुर मेटल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी मिस्टर राजेंद्र नाथ अग्रवाल बैठे हैं। सर, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने हर घर में पीतल का काम होते हुए देखा, तो क्या बहुत ही बड़े तादाद में यहाँ पे काम होता है? जी हाँ, यहाँ बहुत बड़े तादाद में काम होता है। कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पे है। हर घरों में सामान बनता है, लेबर कारखानेदारों के यहाँ से सामान लाकर अपने घर में फिनिश करते हैं, वापस कारखानेदार को पहुँचाते हैं। तो कोई खास बात है मिर्जापुर के पीतल की? ट्रेडिशनल है, 500 सालों से यहाँ पर बन रहा है। कारीगर यहाँ जो है वो अपना एक स्पेसिफिक कारीगर है। तो फॉर्मूला सब उसी के पास में है? हाँ। देखिए क्या बात है, अगर ये कटोरी को बनाता है तो सिर्फ वो कटोरी बनाता है, दूसरा फॉर्मूला परात बनाने का फॉर्मूला उसके पास में नहीं है, और जो परात बनाता है उसके पास में कटोरी बनाने का फॉर्मूला नहीं है। जी नहीं। तो जो पीतल यहाँ बनता है वो पीतल अन्य जगहों से अलग है या? यहाँ की डिजाइन और ट्रेडिशन एकदम अलग है। जो चीजें यहाँ बनती हैं वो अभी तक पूरे हिंदुस्तान में उसका नकल नहीं बन पाई है। जैसे उदाहरण के लिए कोई ऐसी चीज? जैसे आपके यहाँ एक परात रखी थी अभी आपके वो पीछे जी, इसकी मठार जो है हाथ से होती है, इसके एक भी बूंदी में कहीं कोई फर्क नहीं मिलेगा, जबकि ये पूरा हाथ से बनता है। अच्छा, ये? जी हाँ,
देख रहे हैं आप इसको करीब से, ये हिंदुस्तान में सिर्फ मिर्जापुर में काम होता है। मिर्जापुर में ही बनता है और कहीं नहीं बनता। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पहले जमाने में पीतल के बर्तन में खाना परोसा था। जी हाँ, आज भी बहुत बेहतर है। पीतल के बर्तन की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसमें आप पानी डालिएगा, ये बैक्टीरिया रहित हो जाएगा। मतलब पानी इसमें डाल के रखें और सुबह पानी पिए। जी हाँ, पर वो तो कॉपर की बात करते हैं। तो देखिए, कॉपर की दूसरी चीज है, इसमें दूसरी चीजें हैं। इसमें आप कोई भी चीज खाएंगे खराब नहीं होगा, आपको स्वास्थ्य के लिए बेहतर है जी। ये कैंसर कारक नहीं है किसी प्रकार से भी। ये तो अभी दादी और बड़े लोग हमेशा बोलते आए थे कि ये जो ट्रेडिशनल चीजें हमारी, ये ट्रेडिशनल चीजें हैं, ये है आज भी और आगे भी रहेंगी। सुन रही है मंजरी, आप आपको बता रहा हूँ कि हमारे घर में सारे बर्तन जो है वो पीतल के कर देंगे हम बहुत जल्द। ये मैं अपनी पत्नी को बोल रहा था। तकरीबन कितने लोग जुड़े होंगे रोजगार? हमारा ख्याल है कि इसमें तो कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग जो है वो रोजगार पा रहे हैं इस इंडस्ट्री से। यहाँ पे जो पीतल बनता है वो कहाँ कहाँ भेजा जाता है? हिंदुस्तान के कम से कम 20 प्रांतों में मिर्जापुर का माल बना हुआ जाता है। अगली बार जब आप मेरे घर में आएंगे और या मेरे घर का कोई शॉट देखेंगे, उसमें अगर पीतल के बर्तन कहीं नजर आए आपको, तो जनाब ये मिर्जापुर के पीतल है। जिंदगी में मिठास ना हो तो जीने का अंदाज ही फीका है, और उस मिठास के तो क्या कहने जो मिठाई की किसी पुरानी दुकान पर थालों में करीनों से सजी मिठाइयों में छिपी होती है। सच कहा है किसी ने, मीठा सिर्फ जुबान को नहीं बल्कि मन को भी खुश कर देता है। पर ध्यान से, यहां खुद को बेलगाम ना छोड़िएगा, इस स्वाद में अक्सर लोग बहक जाते हैं। नमस्कार जी सर। आप जानते हैं, अक्सर आप किसी भी शहर में जाएं तो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, जो स्थानीय खाना होता है, उसकी आपको कम से कम एक आध दुकान तो मिली जाती है। ये नाम इतना बड़ा है यहाँ पर कि हर इंसान मुझे यहाँ भेज रहा था मिठाई खाने के लिए। जी अभी हम लोग का क्वालिटी बस यही है कि हम लोग कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा चीज़ बनाने का प्रयास करते हैं। अब उसको टेस्ट करिए फिर आप डिसीजन करिए कैसा है। तो कितने सालों से आप इतना ये प्रयास कर रहे हैं? सर अभी तो हमारे दादाजी से चला आ रहा है, कम से कम 100 साल के लमसम तो हो ही जा रहा है। कौन सी खास मिठाई है जो अक्सर लोग यहाँ से लेके जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ का सबसे स्पेशल सोन हलवा है जी। फैमिली में दादाजी ने स्टार्ट किया था, ये फैमिली के मेंबर ही बनाते हैं जी। अब देखिए, ऐसा नहीं कि सोन हलवा पहले नहीं खाए हैं जी, हम सोन हलवा खाए हैं, लेकिन ये कितना अलग है ये अभी मालूम पड़ जाएगा जी। सर इसमें आपको एक एक परत आपको मिलेगा, ये देखिए एक एक परत इसमें ताश के पत्तों की तरह से आपको नजर आएगी। तो एक एक परत अलग होती कैसे? मुझे आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये मिठाई, मुझे लगता था कि एक खांचे में डाल देते होंगे फिर बन जाती होगी। इसमें परिश्रम थोड़ा लगता है, खानदानी चला आ रहा है इसलिए आप बताएंगे नहीं कि कैसे बनता है। मैं भी डिसाइड करता हूँ कि क्यों लोग इसको इतना पसंद करते हैं। देखिए एक परत निकाली मैंने, कहाँ गई परत? तो आप बताइए कहाँ गई? अंदर मालूम ही नहीं पड़ा, फिर ढकना पड़ेगा। ये एक और परत, ये भी गायब। इसकी पहचान इसी से होती है कि आपकी ज़बान में पड़ते ही वो गायब हो जाए, एकदम पिघल जाए। बहुत बहुत ही कमाल का है। मुझे एक और किसी ने कहा था कि मूंग का दाल का भी कुछ बनाते हैं आप। जी सर, मूंग का दाल का ये फिट हुआ है। ये है मूंग की दाल का फिट हुआ। मूंग की दाल के लड्डू सुने आपने, मूंग की दाल की मिठाई सुनी है मैंने, मूंग की दाल के वड़े सुने हैं, पकौड़े सुने हैं। ये जाड़े का आइटम विशेष होता है। हाँ, मूंग की दाल का गर्मी में थोड़ा सा उसका संशोधन करके बनाया जाता है, इसलिए अब 12 मास पूरा मिल जाते हैं। बेहतरीन है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है ये। एक्चुअल में जो मूंग की दाल के लड्डू जो होते हैं या हलवा होता है या जो मिठाई होती है, उससे बहुत हटकर स्वाद है। अच्छा, गोगी डालता हूँ मैं आपके सामने। जी सर, ये प्रश्न है जो मैंने अपने आप से बहुत, जब मैं शायद 7वीं 8वीं कक्षा में था तब मैंने पूछा था। मैं बताऊंगा कि मैं क्यों आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। लल्लू राम, अब लल्लू तो हम कहते हैं कि अबे लल्लू है तू, ये नाम को इतना बड़ा बना देना, उस नाम के साथ टिके रहना, इसके पीछे का कारण क्या? लल्लू राम जी हमारे पिताजी हैं, बड़े में वो हैं, तो उन्हीं के नाम से फर्म का नाम पड़ा। उसके बाद हम लोग ईमानदारी से बस काम किया जा रहा है, उसी नाम से गुडविल बना हुआ है। देखिए मैं वही कहता हूँ, नाम हमें नहीं बनाता है, हम नाम को बनाते हैं। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी का नाम था छौगा लाल। तो मुझे लगता था कि यार जब भी कोई मुझसे पूछता था, मैं बोलता था कि छौगा लाल मैं कैसे बोलूँ, तो मैं नाम CL बोल देता था, CL खंडेलवाल। और मुझे पापा ने मुझे बोला एक दिन कि यार तुम्हें अपने नाम से तुम्हें शर्मिंदगी होती है। मैंने कहा नहीं पापा ऐसा नहीं है, बट वो थोड़ा सा कूल दिखना चाहते थे हम लोग को स्कूल में कि CL खंडेलवाल बोल देते हैं। वो बात बाद में समझ में आई कि अब मुझे बहुत फक्र होता है, मैं कहता हूँ कि मैं कर्नल छौगा लाल खंडेलवाल का बेटा हूँ। नाम को पहचान हम देते हैं जी सर। और ये आप में मतलब जो कॉन्फिडेंस है आपका, जो अपने आप में एक भरोसा है, वो दर्शाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नाम और बड़ा बने, चमकता रहे। देखूंगा मिर्जापुर में वास्तुकला के सुंदर नमूने, वहाँ के पुराने कुएं, कालीन के कारखाने में जानूंगा कैसे होता है मिर्जापुर के मशहूर कालीन का व्यापार। गंगा घाट पर बिताऊंगा कुछ मीठे पल।
मिर्जापुर की एक खास बात है कि शहर के बीते हुए जमाने की सुंदर वास्तुकला के चिन्ह आपको जगह जगह दिखाई देते हैं, जैसे ये पुराने कुएं जो ना सिर्फ यात्रियों को ठंडा जल देते होंगे बल्कि साथ साथ शहर की खूबसूरती में चार चांद भी लगा देते होंगे। एक वक्त था जब मिर्जापुर का यह क्षेत्र व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग था। व्यापारी अपना सामान लिए इसी रास्ते से गुजरा करते थे और जब वो थक जाते थे तो यहीं आसपास बनी सराय में रुक जाते थे। ये कुआं और इस तरह के अन्य कुएं उन्हीं व्यापारियों की प्यास बुझाने के लिए बनाए गए थे। और सोचिए, एक आज का वक्त है जब व्यापारी क्या, सैलानी हो, आम लोग हों, उनकी प्यास बुझाने के लिए सिर्फ प्लास्टिक में कैद पानी की बोतलें मिलती हैं। हमने तो फिर भी कुएं देखे हैं, क्या हम ये कुएं अगली पीढ़ी के लिए छोड़ेंगे? मिर्जापुर की महारत एक और कला में है, वो है कालीन और दरियों की कारीगरी। मुगल काल से इन दरियों को बनाने वाले हाथों की कशिश आज भी जिंदा है। कारीगरों की आंखों की यह नजर एक ऐसी कला है जो एक एक धागे को पिरो सदियों से हमारी जमीनों को सजाती आई है। मिर्जापुर की इस लोकल इंडस्ट्री जिसकी एक बड़ी पहचान विदेशों में भी है, उसे हमारा नमन। क्या आप जानते हैं मिर्जापुर में कैसा उद्योग है जिसके बनाए हुए उत्पाद के कदरदान भारत से कहीं ज्यादा, कहीं कहीं ज्यादा सात समुंदर पार बैठे हुए? नहीं उड़ाना आपको यकीन? मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब तक कि रतन जी ने मुझे यह नहीं बताया कि यहां मिर्जापुर के कालीन 99% बाहर भेजे जाते हैं। सर, क्या कारण है कि यहाँ के कालीन 99% बाहर भेजे जाते हैं, यहाँ के लोग क्यों नहीं खरीदते? उसका सबसे प्रमुख कारण है कि हिंदुस्तान गर्म मुल्क है, ये ठंडे मुल्कों में इसका उपयोग होता है। अच्छा, वातावरण की वजह से? करेक्ट करेक्ट। तो अमेरिका मेन है, जर्मनी है, कनाडा है, तो ये सब कंट्रीज ज्यादा इसको उपयोग करती है। अच्छा, यहाँ की जो कारीगरी है उसका कुछ विशेष नाम है? नहीं, मिर्जापुर की कारीगरी का ये हस्त निर्मित गलीचे होते हैं जी, ये कई प्रकार के हैं जी। मुगल साल से ये शुरुआत हुआ है, शुरुआत तो ये हैंड नॉटेड बनता था जी। पहले तो एक एक गलीचे की कम से कम 3 वीवर बिनते थे तो उसको 6 महीने लगता था उतरने में। अरे बाप रे। पहले ईरानी पैटर्न पे कारपेट्स बनते थे, अपने जीवन में एक कारपेट एक आदमी बनाता था, अपने पूरे जीवन में एक कारपेट, वो एक बेशकीमती कारपेट्स होते थे। क्या बात है, वो बेशकीमती आर्टिस्ट होती थी, एक थॉट होती थी, कोई सीनरी होती थी, किसी राजा का पोर्ट्रेट बनाते थे, वो पूरा लाइफ लॉन्ग वो अपने हाथ से कलर भी करते थे, अपने हाथ से ताना भी बनाते थे, अपने हाथ से इसका वूल भी बनाते थे, वो प्योर सिल्क का काम होता था। अच्छा, ये मैं पीछे जो देख रहा हूँ ये अभी देखने में ऐसा लगता है कि ये फाइनल ऐसा नहीं होगा? नहीं, ये फाइनल नहीं है, ये अभी तो कच्चा है। तो हम जहाँ भी बैठे हैं ये कारखाना है, यहाँ पर कच्चा माल ही बनता है? यहाँ सिर्फ कच्चा माल बनता है, एक्सपोर्टर जो होते हैं जी उनको बाहर से ऑर्डर मिलते हैं, डिजाइन सेड उनको मिलता है, फिर वो ऑर्डर हम लोग को प्लेस करते हैं, हम लोग उसको उस हिसाब से बना के मैप डिजाइन तब उनको ऑर्डर देते हैं, फिर उसको अपने आप फिनिश कराते हैं, फिनिश करा के वो एक्सपोर्ट करते हैं, और टाइमली ये हमेशा डिजाइन वगैरह चेंज होते चले जा रहे हैं। तो कितना बड़ा उद्योग था और कितना छोटा रह गया? बड़ा तो बहुत था, एक एक एक्सपोर्टर हजार हजार करोड़ के टर्नओवर थे उनके एनुअली जी, लेकिन आज उनके पास भी काम कम है, लोग पलायन कर रहे हैं, बायर्स को सस्ता माल चाहिए, सस्ता माल करने के लिए इंजीनियर्स अपना एक एक टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी निकालते निकालते एक मशीन ला दिया, अब मशीन ऐसा आ गया जो गलीचा टफटेड का 3-4 दिन में हाथ से उतरता था वो मशीन से बीनते हैं तो वो 1 दिन में उतर जाता है, तो बायर्स इसकी कॉस्टिंग को कम करते चले जा रहे हैं। चलिए रतन जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश का मौसम बदले, यहाँ थोड़ा ठंड बढ़ना शुरू हो जाए, आपका ये जो काम है, आपका जो उद्योग है ये बंद ना हो जी, अच्छा चले, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। गंगा पर बसे शहरों का अपना एक अलग ही चरित्र है, एक अलग ही जीवन है। यहाँ का मूल इतिहास हो या फिर आज का धड़कता वर्तमान, वो गंगा ही है जो हमेशा से रही है इनकी पहचान। खैर, दिन का फिर वो वक्त आ गया जो मुझे दिन बीत जाने पर अगर थोड़ा उदास करता है तो अगले दिन की तैयारी के लिए एक नई ऊर्जा भी देता है। मिर्जापुर से रुखसत लेने का वक्त आ गया तो मैं अलविदा कहने से पहले मिर्जापुर की यादों को समेटने एक बार फिर इस घाट पर गंगा के दर्शन के लिए आ गया। मिर्जापुर का पीतल, मिर्जापुर की कालीन, माँ गंगा ने मिर्जापुर में दिखा दिया। गंगा के तट पर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष में न जाने कितने ऐसे लघु उद्योग हैं जो अपने आप में नायाब हैं, पेशकीमती हैं, पुश्तैनी हैं,
पीढ़ी दर पीढ़ी हाथ बदलते आ रहे हैं। ऐसी ऐसी हस्तकलाएं हैं जो पूरे विश्व में कहीं और नहीं मिलती, सिर्फ हिंदुस्तान में मिलती हैं। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में कहीं उनके भविष्य के ऊपर प्रश्न खड़े हो गए हैं। चूँकि इन उद्योगों से, इन कलाओं से जुड़े लोगों की संख्या थोड़ी कम है, इसीलिए आधुनिकता से लड़ने की इनकी क्षमता भी थोड़ी कम है। वक्त के साथ साथ या तो ये लुप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे, या फिर झुक जाएंगे। खड़े तभी रह पाएंगे जब भी अपने पीछे हमको खड़ा पाएंगे। मैं चलता हूँ, अगले एपिसोड में आप जानते हैं कि दोबारा आपसे मिलूंगा, लेकिन जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि मैं और आप हम मिलकर अपनी स्वदेशी कला को अपना पूरा सहयोग देंगे, ना तो उसे मिटने देंगे ना उसे छुकने देंगे। गुड नाइट, मुस्कुराते रहिए।